हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और ये देखिए, ये चाय वगैरह पी ली है और हाय गुड मॉर्निंग। अभी अभी उठे हैं, आज काफ़ी लेट कर दिए ये उठने में, 9:15 बज गए हैं और मैं टूट गई थी और मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी। और ये देखिए मेरा ये दाल का पानी है, ये तो ब्रश कर लिया है, ना आया नहीं है। दाल का पानी पीऊँगी, एनर्जी आएगी, फिर आगे का काम बाद में करेंगे, अभी तो बहुत सारा काम करना है। तो कुछ आप भी कर लो। आज बहुत ज़्यादा सोए, सर में दर्द हो रहा था, तो अभी जो है चलेंगे थोड़ी देर बाद ऊपर, कुकिंग वगैरह करेंगे, देखते हैं आज क्या बनाते हैं क्या नहीं, अभी कुछ कन्फर्म ही नहीं है। तो वैसे तो सोच रखा है वो बची वाली रोटी की एक अच्छी अनोखी रेसिपी लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो अभी काम वाम कर लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, बने रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अपनी डाई लगवाने के लिए डाई घोलने जा रहे हैं। तो बहुत दिन से नहीं लगी थी ना इनके डाई, मतलब फरवरी में लगी थी, और जो ये देखिए कितना खुश हो रहा है कि इतने दिन बाद इनको डाई लग रही है, इनको तो खुश होने का मौका चाहिए। तो मैं ले आई हूँ, ये निकाल तो दिए थे लेकिन घोले नहीं थे, तो मैंने कहा लाओ मैं घोल देती हूँ। तो अभी मैं इनको डाई लगा लूँगी। फरवरी में हम लोग गए थे अपने, मतलब मैं भांजे के शादी में गई थी, तो उस वजह से तब लगवाया था इन्होंने, और उसके बाद से अभी तक नहीं लगा था इनके डाई। काफ़ी दिन से कह रहे थे लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी ना इस वजह से। और ये देखिए, ये मेरे घर के काम वाली हैं, तो ये आके खड़े होके देख रही थी कि, और दिखा रही थी कि मैं विम बार लेने आई नीचे, देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो वगैरह बना रही हूँ, क्या करूँगी। तो मैं बता रही थी कि बस ऐसे बना रही हूँ, इनके अपने ससुराल भेज दूँगी जाके, सब कुछ देख ले कि देखो मैंने आपके लड़के को जवान बना दिया। तो भाभी लोग हैं और दीदी भी अभी घूमने गई हैं इनकी, मतलब मेरी नंद अभी वहीं पे घूमने गई हैं हमारे यहाँ पे, और बस ऐसे ही अभी काफ़ी दिन बाद इनका बुढ़ापा भी चला जाएगा। तो रोज़ ऐसे नहीं लगाते हैं, कभी कभी मन कर जाता है, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंजिंग सी सभी को कर लेना चाहिए, तो आज ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया था कप में, तो ये कहे कि लाओ मैं इसे भी पोछ के लगा देती हूँ। बहुत प्यारे पति हैं ये मेरे, बहुत मुन्ने से हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो डाई वगैरह तो लग गई है और अब मैं जाऊँगी नहा धो के, नाश्ता बनाऊँगी। तो चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं, जाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बची हुई रोटी की बहुत ही अच्छी रेसिपी, चटपटी सी, खट्टी सी, जिसके लिए मैंने रोटी ले लिया है और काट लिया है गाजर, शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर, इसे मैंने काट लिया है, गाजर को मैंने घिस लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए हमें अपने रोटी को सबसे पहले राउंड करके इसे चाकू की सहायता से लंबा लंबा काट लेना है। देखिए आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे पतला या मोटा अपने च्वाइस पे काट सकते हैं। तो ये बची हुई रोटी थी, ये रात की रोटी थी जिसकी मैं ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसे बहुत पतला नहीं कट पा रहा था, अगर 2-3 घंटे की होती तो बहुत पतला कट जाता, तो मैं इसे थोड़ा मोटा ही काट रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे सारी रोटी अपनी काट लेनी है। तो देखिए ये मेरी सारी रोटी अच्छे से कट गई है, पतली पतली सी, लंबी लंबी सी, और ये कितनी ही अच्छी लग रही है। तो चलिए अब मैं अपने कढ़ाई में तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज किया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो जब तेल गर्म हो जाए आपका, तो आपको डाल लेना है इसमें प्याज, और प्याज को थोड़ा सा 1-2 मिनट आपको चलाते हुए पकाना है ट्रांसपेरेंट होने तक। तो ये हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई थी, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च भी मैंने एक ही लिया था, 4 रोटी में 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर और 1 गाजर का प्रयोग मैंने किया है।
तो अब मैं इसमें डाल लूँगी अपना हरी मिर्च जो मैंने 3 लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ही लीजिएगा। और इसमें अब मैं डालूँगी गाजर जो मैंने घिस के रखा है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे इन सब्जी को ज़्यादा गलाना नहीं है, इस स्टेज में मैं अपना टमाटर डाल देती हूँ और मुझे इन सब्जी को क्रंची ही रखना है बहुत ज़्यादा, बस इसका मतलब कच्चापन सा ख़त्म हो जाए इतना ही मुझे इसे पकाना है। तो अभी मैं छोटी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दी हूँ और स्वादानुसार आप इसमें नमक डाल लीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। एक ढक्कन मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है, 4 रोटी के लिए ये काफ़ी है। और ये है एक ढक्कन हमारा वाइट विनेगर, तो इसे मिला लीजिए और आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी क्रंची ही है। और मैंने यहाँ पे अपनी रोटी भी डाल दी है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छिट्टा मारूंगी, क्योंकि रोटी सूखी रहती है, बची होती है ना तो ड्राई सी रहती है, तो इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस से आ जाए इस वजह से मैंने छिट्टा मारा है। और अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं खोल के देखती हूँ ये हो गया नहीं हो गया। ये बहुत ही अच्छा सा हो गया है और जो रोटी की ड्राइनेस थी ना वो भी पानी के छिट्टे की वजह से वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसे हरे धनिया से गार्निश कर दूँगी। और अब मैं जाऊँगी नीचे, ये खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग देखिए नहा लिए, ये पूजा पाठ कर लिए हैं, यहाँ देखिए दीपक जल रहा है अभी भगवान जी का, और ये देखिए इनका नाश्ता भी आ गया है और अभी ये खा के बताएंगे कि इन्हें नाश्ता कैसा लगा है। तो सुबह के दिख रहा हो तो ये देखिए ऊपर 1:15 बज गया है और ये इस समय अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। हम लोग नहीं, हम तो दाल का पानी वगैरह और पनीर वगैरह खा लिए थे और ये अभी कुछ भी नहीं किए थे। तो खा लीजिए ना पहले, अब देखिए ये फिर कुछ काम करने जा रहे हैं। अच्छा, टी शर्ट लेने जा रहे हैं पहनने के लिए, ना के आए हैं ना, तो अभी ऐसे गर्मी का मौसम है तो सब कोई ऐसे ही बस पहन वहन लेता है। तो अभी एक खाएंगे तब बताएंगे कैसा लगा, आओ ना। तो आ रहे हैं अभी, टी शर्ट पहन के आएंगे। ये देखिए, जय गुरुदेव, आज बुधवार है, हम दोनों, ये मेरे आस्तीन में दिख रहा होगा आपको हरा कलर और इनका भी हरा कलर है। तो जय गुरुदेव के पास से आप लोग सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और खुश रहिएगा। चाहे आदमी के जीवन में कितनी भी दुख दर्द आए, मगर आदमी को खुश रहना चाहिए, हर आदमी। हाँ, तो खुश रहना चाहिए चाहे वो जैसे भी स्थिति में हो, और बुधवार को हरा पहनना चाहिए इसलिए हम लोगों ने हरा पहना है। और ये देखिए, ये इनका नाश्ता है, ये है रोटी का नूडल्स आप कह सकते हो, साथ में देखिए मैं चटनी नहीं लाई थी ना, ये चटनी लेके बैठे हैं। तो अभी खा के भी बताओ कैसा बना है। बना तो हम ले आए, अब देखते हैं कि इनको कैसा लगता है, अभी ये खाएंगे तो फिर बताएंगे। तो बिना चटनी के और मिर्चा के इनका काम नहीं चलता, मैंने इसमें डाला है खैर मिर्चा, अभी देखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से चटनी डाल रहे हैं, अलग से भी लेके बैठे हो, ये डाल रहे हैं ऊपर से। तो फाइनली ये पहली बाइट, आज तो हमें भी नहीं पता कि कैसा बना है, क्योंकि हमने नहीं, आप खाओ पहले, आप खाओ। बहुत बढ़िया, अच्छा लग गया इनको, सही बना। इनके घर में भाभी इनकी जो है ना बनाया करती है, जब भी रोटी वोटी बच जाती है ना, तो मुझे ये रेसिपी पहले नहीं पता थी, जब अपने ससुराल गई तो पता चला, एक बार उनके हाथ का खाया है और वो ऐसे ही सारी सब्जियां डाल के अपना बनाई थी, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। एक चम्मच मुझे भी खिला दो, तुम खाओ।
एक चम्मच तो खिला दो, पता तो चले कैसा बनाया, हमें पता ही नहीं, अभी चखा तक नहीं है हमने बना। थोड़ा कम, इतना थोड़े, ज्यादा थोड़े खाएंगे, पेट दर्द हो रहा है। खट्टा भी बहुत बदल में खड़ा लगाइए ना चटनी, बहुत ज्यादा बढ़िया बना है। अजय तो हमारी सब पूरे परिवार की फेवरेट है। इतना ज्यादा खट्टा था, बोला नहीं जा रहा था। सब खाते हैं मिलके, इनके फैमिली में इनके बच्चे लोग, भांजे लोग सब साथ में ही रहते थे ना, और सारे भैया लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। और इसको आप चिल्ले से भी बना सकते हैं, अगर चिल्ला है ना आपका बासी बच गया तो उसका भी आप अच्छा इस्तेमाल करिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो, हम लोग तो खा रहे हैं नाश्ता, खाना का तो टाइम पता नहीं 2-2.5 बजे खाएंगे क्या करते हैं। तो खाना तो बन गया है, मम्मी ने बनाया है खाना, मैंने नहीं बनाया है। और मम्मी पापा भी सुबह वो खा लिए थे, दूध चूड़ा होता है ना, आज सुबह से कुछ तो बना नहीं, बस अभी बस ये बना के आ रही हूँ। तो बस अब ये खाना अपना नाश्ता करेंगे और मैं खट्टा हो जाए बहुत ज़्यादा। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया था, और फिर इन्होंने मेरे लिए जूस बनाया था, वो जो चुकंदर का नहीं होता है, तो कमजोरी हो रही थी तो चुकंदर और गाजर टमाटर का जूस बनाया था और मैंने भी पी लिया था। और अभी जो है शाम हो रहे हैं, तो सभी कोई खाना वाना भी खा लिया था 3 बजे तक, ये भी खा लिए थे थोड़ा बहुत जो खाना था। और अभी मुझे रेसिपी बनाती रहती हूँ ना, तो मुझे देगी मिर्च चाहिए थी, कश्मीरी मिर्च लोग कहते हैं, देगी मिर्च ये सब एक ही बात है, तो उससे कलर अच्छा आता है रेसिपी पे। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं लेके आते हैं, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे तो आप कैसे भी बना लो, लेकिन आप अगर किसी को सिखाना ही हुआ ना ये एक कुकिंग चैनल के माध्यम से सबको, तो फिर सारे प्रोसेस अच्छे से करने पड़ते हैं। तो मुझे वो सफ़ेद वाली तिल होती है वो चाहिए था, और नींबू नहीं था तो नींबू मुझे चाहिए था, क्योंकि ये जूस बनाने को कह रहे थे ना चुकंदर का, तो उसमें काला नमक जीरा और डाल दो नींबू ना तो अच्छा सा लगता है, तो इस वजह से ये मैंने कहा कि चलो चलते हैं ले आते हैं, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो हम लोग देखिए जा रहे हैं, और ये कितना अच्छा हरियाली आपको दिख रहा होगा, शाम का समय है और पेड़ पौधे, गांव है ना ये, शहर नहीं है ये, गांव है। तो चलिए चलते हैं, और ये देखिए सब्जी वाला मिल गया है तो नींबू भी ले लेते हैं। तो आगे हम लोग आ गए थे, नींबू वींबू ले लिया था, और ये दुकान वाले हैं, तो ये देखिए मिर्ची तो हम लोगों को मिल गई है, लेकिन इनके पास ढूंढ रहे थे भैया कि शायद तिल मिल जाए, तो कहे कि उनको मिल नहीं पाई तिल ढूंढने पे भी। तो फिलहाल चलते हैं, अब देगी मिर्च और वो ले लिया है हमने, अब घर को चलते हैं। तो यहाँ पे आते वक्त ये लैया वाला बना रहा था थोड़ा सा, तो मन कर रहा था ऐसे तो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो मैंने कहा चलो आप इसी को ले लो तो खा लिया जाएगा, थोड़ा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। तो ये बना रहे थे, ये भैया कह रहे थे वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देना, जिससे मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, लोग सोचते हैं ना कि हाँ मेरा भी काम चलने लगे इसी बहाने। तो घर आने के बाद मैंने इसे निकाल के मम्मी को दे दिया था, मैंने कहा चख के देखो ये कैसा लगता है। तो मम्मी ने पापा को भी कहा, लेकिन पापा तम्बाकू खा रहे थे ना तो पापा नहीं खाए, तो इसमें नमक की कमी लग रही थी, तो मम्मी कही थोड़ा सा नमक ला दो। और ये देखिए अपनी गाड़ी वगैरह खड़े कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक सॉल्ट था, तो मैंने कहा इसे डाल लो, मम्मी चाट मसाला मांग रही थी, लेकिन मैंने कहा इसी को डाल लो। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और प्लीज़ वॉचिंग करिए, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।